असम साम्राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काइस कुल्लू हिमाचल प्रदेश के छात्र है। मैं सुभाष, मैं छेरिंग, उत्तम, प्रियपाल। हम सब आपके सामने किशोर और किशोरियों के बीच स्वस्थ संबंध के ऊपर आपके सामने रोल प्ले प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरे आज तो सर मार ही डालेंगे। टक टक टक, लगता है वो लोग आ गए हैं। आर्ची तू? अरे आर्ची, अभी तो सोनम सर की क्लास है ना। तुम्हें पता नहीं आज सर नहीं आए हैं। जय हो जय हो जय हो। पर ये केक, ये गुब्बारे और ये तैयारियां, ये पार्टी का माहौल है या क्लासरूम? तुम्हें पता नहीं आज सर नहीं आए हैं। अरे ये पार्टी का माहौल है या क्लासरूम? अरे आज मेरे प्रिय दोस्त प्रियपाल का जन्मदिन है। जन्मदिन? मैं तो पता ही नहीं। हैप्पी बर्थडे प्रियपाल। हैप्पी बर्थडे। आओ प्रियपाल, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, may god bless you, happy birthday। आर्ची, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आर्ची, क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे रुको खटू मटू, रुको। ये लो मेरी तरफ से। ये क्या गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत थी आर्ची? कोई बात नहीं, गिफ्ट इसमें क्या है? अरे देखते हैं ना। प्रियपाल, तुम्हारे दोस्त कंधे है, मैं जा रही हूँ। रुको आरती, रुको। इतनी सुंदर घड़ी, और वो भी प्रियपाल के लिए। अरे मेरे बापू ने तो मुझे आज तक घड़ी की सुई तक नहीं दी, और इसे इतनी सुंदर घड़ी और वो भी गिफ्ट लड़की ने। मुझे लगता है कि दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक है। अरे यहाँ दाल ही ब्लैक ब्लैक है। अरे क्या बक रहे हो, खुद तो देते नहीं और के गिफ्ट को क्या क्या बोलते रहते हो। क्या तुझे गिफ्ट चाहिए? अरे मुझे निकाल दे। अरे वही निकाल दे जो हम मानू मामा से खरीदते हैं। ओहो मानू मामा। लॉलीपॉप कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, अरे कहीं प्यार ना हो जाए। माफ कर दो मेरे भाइयों, माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे माफ कर दे तुझे, वो तुझसे प्यार जो करने लगी है। क्या प्यार, वो कैसे? अरे कैंटीन में खाना खाने भी साथ, घर को जाते भी साथ, तो इसका मतलब वो तुझसे प्यार करने लगी है। कुछ सोच। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्रियपाल को आर्ची से प्यार हुआ। अरे हाँ हाँ, वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। तभी तो मैं कहता हूँ अमला पगला दीवाना, और अब्बा इतनी सी बात न जाना कि बहुत। रुको रुको है? लेकिन मैं अब क्या करूँ? अरे नेक्स्ट स्टेप नहीं यार। वो क्या बोल दे इलू लीलू। अरे ये इलू लीलू क्या होता है? अरे यार इलू इलू का मतलब I love you. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? मुझे डर लगता है। डर लगता है?
वो टीवी में एक नहीं देखी कि डर के आगे जीत है। ये ले लाल गुलाब और जा देखे आर्ची को। बोलना मत भूली। क्या हुआ प्रियपाल, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? आर्ची क्या हुआ? बोल दूं आर्ची? हाँ हाँ बोल दो। I love you आर्ची। ये क्या था? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तो वो क्या था? वो घड़ी। क्या एक लड़की दूसरे लड़के को गिफ्ट नहीं दे सकती? क्या लड़की और लड़की में यही संबंध होता है? प्रियपाल तुम तो बहुत निम्न स्तर के निकले। आज के बाद मैं तुमसे कभी बातें नहीं करूंगी। जला दूंगा, मैं उसे जला दूंगा। बस समझती क्या है अपने आप को, मैं उसका मुंह ही जला दूंगा जिससे कि वह भविष्य में किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। बस समझती क्या है अपने आप को। अरे प्रियपाल ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? कुछ नहीं। तेजाब, हे भगवान तू ये क्या करने जा रहा है? कुछ नहीं। बता। बता दूं? बता। मैं उस आर्ची का मुंह जला दूंगा, उसने मेरे प्यार को ठुकराया है। क्या प्यार? और वो भी इस उम्र में? क्या तुझे प्यार का मतलब भी पता है? अरे प्यार का मतलब तो एक पवित्र बंधन होता है जिसका अर्थ तुम इस उम्र में नहीं समझ पाओगे। अगर तुम सचमुच में किसी से प्यार करते हो, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक नया जन्मा हुआ बछड़ा अपनी माँ से, क्या कोई माँ अपने बच्चों को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकती है? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम उससे प्यार नहीं बल्कि बेशीपन करने जा रहे हो। सोच सोच प्रियपाल, कुछ सोच। छोड़ दो मुझको, छोड़ दो। अरे मरना चाहती हूँ। अरे क्यों, पर क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण तुम्हें अपने आप को समाप्त करना पड़ रहा है? प्रियपाल जो हमारे पड़ोस में रहता है उसने मुझे प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? अरे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ मेरे भाई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कोई प्रतिक्रिया दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे गुस्सा नहीं आर्ची, बल्कि हंसी आ रही है कि तुम इतनी छोटी सी बात पर अपने इस अनमोल जीवन को समाप्त करने जा रही थी। अरे तुम्हारी तो अवस्था ही ऐसी है, यानी कि किशोर अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक बदलाव होते हैं और शारीरिक बदलावों के साथ साथ भावनात्मक बदलाव भी होते हैं। लड़का और लड़की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं। अरे आर्ची, जिस प्रकार लोहे को गर्म करने से कठोर बनाया जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से लड़कर उसे सोना बनाना है। इसमें गलती ना तो तुम्हारी है और ना तो प्रियपाल की, बल्कि दोष तो तुम्हारी इस अवस्था का है। तुम्हें एक अच्छी काउंसलिंग की आवश्यकता है। अरे इधर आओ प्रियपाल, चलो आर्ची को सॉरी बोलो और फिर से एक अच्छे दोस्त की तरह बन जाओ। चलो सॉरी बोलो। सॉरी आर्ची, वो मैंने उन मोटू और खोटू के बकाबे में आके कह दिया था। वैसे तुमने जो कार्य किया है वो माफी के लायक तो नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी।